हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। आज की वीडियो में हम गेट की प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक ट्रांजिशन टेबल दिया गया है, दैट इज बाई एक ऑटोमेटा की टेबल है, जेड एक ट्रांजिशन टेबल है। एंड आपको क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑटोमेटा जेड क्रॉस वाई। जेड क्रॉस वाई आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है और उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑटोमेटा आएगा उसकी टेबल क्या होगी। सो माय डियर, इसमें जेड क्रॉस वाई पूछा गया है, लेकिन पहले बाई की टेबल दी गई है। बाई क्रॉस जेड इज नॉट इक्वल टू जेड क्रॉस वाई, सो इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव बिकॉज बाई क्रॉस जेड इज नॉट इक्वल टू जेड क्रॉस वाई। सो ध्यान रखिएगा, जेड क्रॉस वाई पूछा गया है तो पहले आप एक जेड की टेबल को आप पहले लिख लीजिए, जिससे आपसे मिस्टेक ना हो। सो मैं जेड की टेबल को पहले लिख लेता हूँ। नाउ ये जेड की टेबल, एंड देन जेड क्रॉस वाई आपको परफॉर्म करना है। ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं प्रोडक्ट ऑटोमेटा कहाँ से स्टार्ट होगा, दोनों की इनिशियल स्टेट से। इसकी इनिशियल स्टेट वन है, उसकी इनिशियल स्टेट वन है, तो आपने स्टार्ट किया वन वन, और इस पर ए एंड बी आप अप्लाई करिए। इस पर ए अप्लाई किया तो फर्स्ट वन किसका है, जेड का, और सेकेंड वन किसका है, बाई स्टेट का। तो फर्स्ट इस पर ए अप्लाई किया तो इस पर ए से क्या रिजल्ट आ रहा है, एंड दिस इज टू, ए वन ए पर इट इज़ टू, और ये जो सेकेंड वन है इस पर ए अप्लाई किया, यानी सेकेंड वन बाई का है, इस पर ए अप्लाई किया इट इज़ वन। सो नेक्स्ट स्टेट इज़ टू वन, इस पर ए से नेक्स्ट स्टेट इज टू वन, एंड इस पर वन अप्लाई किया, वन वन पर बी अप्लाई किया तो वन पे बी से इट इज़ टू, वन पर बी से टू, एंड सेकेंड वन इस वन पर बी से इट इज़ अगेन टू। सो बी बी से आप टू टू स्टेट में मूव कर रहे हैं। नाउ टू वन स्टेट और टू टू स्टेट, इस पर ए बी आपको अप्लाई करना है। टू वन स्टेट पर ए अप्लाई किया तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, टू पर ए से रिजल्ट आ रहा है वन, टू पर ए से वन, एंड वन पर ए से वन, सो बैक टू, ए के साथ आप वापस वन वन स्टेट, एंड टू वन स्टेट पर बी अप्लाई किया तो टू पर बी से रिजल्ट आ रहा है इट इज़ वन, एंड वन पर बी से रिजल्ट आ रहा है टू। सो इस पर बी से रिजल्ट आ गया वन टू स्टेट। नाउ वन टू स्टेट पे ए बी अप्लाई कीजिए, वन पे ए अप्लाई किया, वन पे ए से इट इज़ टू, एंड टू पर ए से इट इज़ टू। सो इस पर आप ए से यहाँ आ गए, एंड वन टू पर बी अप्लाई किया, वन पर बी से इट इज़ टू, एंड टू पर बी से इट इज़ वन, सो आप बी के साथ वापस इधर आ गए। नाउ टू टू स्टेट पर ए अप्लाई कीजिए, टू पर जब ए अप्लाई किया तो टू पर ए से इट इज़ वन, और सेकेंड टू इस टू पर ए से इट इज़ टू, तो ए के साथ आप वन टू स्टेट, एंड इस पर बी भी अप्लाई किया, टू पर बी से इट इज़ वन, एंड सेकेंड टू पर बी इट इज़ वन वन, सो बी के साथ आप। तो ये आपका आ गया कंपोजिट ऑटोमेटा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑटोमेटा जेड क्रॉस वाई। माय डियर, ये कंपोजिशन हुआ है, बट जेड क्रॉस वाई में फाइनल स्टेट आप किसको बनाएंगे, जिसमें दोनों की फाइनल स्टेट होंगी। सो इसकी फाइनल स्टेट क्या है, टू, और इसकी फाइनल स्टेट क्या है, टू, दोनों की फाइनल स्टेट कहाँ पे है, टू टू टू, इट इज़ अ फाइनल स्टेट। सो अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इसे मैच कर लीजिए। ऑप्शन में वन वन टू वन, वन टू एंड टू टू स्टेट नहीं दिया गया, इनकी नेमिंग कर दी गई पी क्यू आर एस से। अब आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये देखना है कि किसको पी करना है, किसको आर करना है, किसको एस और किसको क्यू। सो चलिए देखिए कुछ कॉमन, कि पी इनिशियल है, आर फाइनल है, इसमें भी पी इनिशियल आर फाइनल और पी इनिशियल इट इज़ ऑल्सो फाइनल। सो आपको पता चला कि इनिशियल स्टेट ये है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, पी, और R फाइनल है, ये R होगा। अब आपको Q और S बताना है कि Q और S किसको रखा जाए। लेट मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ इट इज़ Q और इसको S। सो P पर A से इट इज़ S, मैं इसे S एज्यूम करता हूँ और इसको Q। सो P पर A से इट इज़ S, एंड P पर B से इट इज़ R, करेक्ट, एंड Q स्टेट पर स्मॉल A से R, क्यू पर स्मॉल ए से आर, करेक्ट, एंड क्यू पर बी से एस, ये भी करेक्ट है। नाउ आर स्टेट पर स्मॉल ए से क्यू, स्मॉल ए से क्यू, ये करेक्ट है, एंड आर स्टेट पर स्मॉल बी से इट इज़ पी, ये भी करेक्ट है। नाउ एस स्टेट पर स्मॉल ए से क्या आना चाहिए था, इट इज़ पी, एंड बी से क्यू, ये गलत है। इन दोनों ऑप्शन में यही डिफरेंस है, ऊपर का मैच कर रहा है, नीचे इस लाइन को बस चेक कर लीजिएगा कि एस स्टेट पर स्मॉल ए के साथ नेक्स्ट स्टेट इज पी,
यस बी करेक्ट है, एंड एस पर बी के साथ नेक्स्ट स्टेट इज क्यू, यस करेक्ट है, तो राइट आंसर इज बी। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एम एक ऑटोमेटा दिया गया है, एन एक ऑटोमेटा दिया गया है, आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमम डी एफ ए दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज एल एम इंटरसेक्शन एल एन, यानी कि ये पूछ इसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या होगी एल एम और इसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या होगी एल एन, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग ये है कि दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट और जो रिजल्टेंट डी एफ ए होगा उसमें मिनिमम स्टेट आपको बताना है। माय डियर, वैसे तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी किया जा सकता है, कैसे, ये लैंग्वेज क्या है, ये क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, ये लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है एंडिंग विथ ए, और ये लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट कर रहा है एंडिंग विथ बी, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा फाई, और फाई के लिए मिनिमम कितनी स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी, ओनली वन स्टेट, ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है फाई। तो डायरेक्ट आप आंसर वन लगा सकते हैं कॉमन सेंस से, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथड आप देखिए कि क्या आंसर आएगा उसको चेक करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए स्टेट ए है, इट इज बी एंड सी स्टेट एंड डी स्टेट, आपको दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है एम क्रॉस एन और उसमें स्टेट्स को बताना है कि कितनी स्टेट्स हैं मिनिमम स्टेट्स इन डी एफ ए। तो चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, दोनों के इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया ए सी, ए सी इज इनिशियल स्टेट एंड इस पर स्मॉल ए अप्लाई किया, इस पर स्मॉल ए से क्या आ रहा है बी और सी पर स्मॉल ए से सी, तो स्मॉल ए के साथ आप कहाँ जा रहे हैं बी सी स्टेट। नाउ ए सी पर बी अप्लाई किया, ए पर बी से क्या रिजल्ट आ रहा है ए और सी पर बी से रिजल्ट आ रहा है डी, तो बी के साथ आप कहाँ जा रहे हैं ए डी स्टेट, ऑलराइट ओके। नाउ बी सी पर अप्लाई करिए, बी सी पर स्मॉल ए अप्लाई किया, बी पर स्मॉल ए के साथ बी और सी पर स्मॉल ए के साथ सी, सो ए का आपका लूप लग गया। नाउ बी सी पर बी अप्लाई किया, इस पर बी अप्लाई किया तो ए एंड सी पर बी अप्लाई किया तो डी, यानी कि बी के साथ आप कहाँ आ रहे हैं ए डी स्टेट। इस स्टेट पर ए भी अप्लाई करिए, नाउ ए पर ए कैपिटल ए पर स्मॉल ए के साथ इट इज़ बी और डी पर ए के साथ इट इज़ सी, सो ए के साथ आप वापस इस स्टेट पर आ गए एंड नाउ इस पर बी अप्लाई किया, ए पर बी से इट इज़ ए और डी पर बी से इट इज़ डी, तो बी का सेल्फ लूप लग गया। आप कोई न्यू स्टेट नहीं है, स्टॉप कर दीजिए, ये आपका डी एफ ए आ गया, बट अभी फाइनल स्टेट आपको बनाना है। एम क्रॉस एन में फाइनल किसको बनाएंगे जिसमें दोनों की फाइनल होगी, इसकी फाइनल क्या है बी और इसकी फाइनल क्या है डी। माई डियर, ऐसी कोई स्टेट है इसके अंदर जिसमें बी डी दोनों एक साथ हों, दोनों की फाइनल एक साथ हों? नो, ऐसी एक भी स्टेट नहीं है। जब ऐसी एक भी स्टेट नहीं है तो इसके अंदर आप फाइनल स्टेट नहीं बना सकते। फाइनल स्टेट अगर नहीं होगी किसी डी एफ ए में तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा फाई, और फाई एक्सेप्ट करेगा तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट की थ्री स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फाई है तो मिनिमम स्टेट आप एक स्टेट बनाइए इट एक्सेप्ट फाई। आपसे पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट, तो मिनिमम स्टेट इस क्वेश्चन में कितना आंसर होगा, इट इज वन, आंसर इज वन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्कैटनेशन, ट्रांसपोज एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।